नमस्कार किसान भाइयों, आज 21 सितंबर 2024 है। आज देख सकते हैं हमारी गाय ने बछड़ा को जन्म दिया है अभी 15 मिनट पहले ही, 6:51 में, और अभी 7:08 में हुए हैं। अरे लगभग आधे घंटे में जन गई है हमारी ये गाय। अभी सुबह से ऐसा लग रहा था कि जन जाई करके, तो इसके लिए पहले देख सकते हैं इसको अभी हम धान दे रहे हैं खाने के लिए। यह बच्चा देख सकते हैं 20 मिनट में खड़े होने की कोशिश करने लगा है। हमने सबसे पहले इसकी नाक साफ किया है और मुंह साफ कर दिया है, और जो इसके जो आमर रहता है उसको हमने प्यार फेंक दिया है। हाँ, डबल खुशी का दिन है क्योंकि हमारे बच्चे का भी 3 साल कंप्लीट हो रहा है आज। देखिए इस तरीके से धान देते हैं, बांस भी देते हैं। बांस नहीं है अभी खाने के लिए, तो अभी धान दे देंगे थोड़ा सा, इससे पूरा मैल निकल जाता है जो गर्भाशय में रहता है धीरे धीरे करके, और आधे घंटे के अंदर दूध पिलाना पड़ता है, आधे से 1 घंटे के अंदर। अभी इसको हम दूसरी जगह ले आकर बांधेंगे। तो चांद भाइयों, अभी हमने इसके लिए दलिया बना रहे हैं। इसमें क्या क्या डाले हैं वो बताना। नमक, गुड़, ये देखिए दोस्तों, और आटा वगैरह को, आटा गेहूं को, गेहूं इतनी चीज मिलाकर इसमें डाले हैं। फिर इसको अभी अच्छे तरीके से आग में तपा रहे हैं जिससे पूरा अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। फिर उसको ठंडा होने के बाद अभी गाय को देना है। दोस्तों अभी 45 मिनट हो चुके हैं और जो जीरी रहती है वो अभी डालना बाकी है, और गाय का बछड़ा खुद ही खड़ा हो गया है। इतनी समझदारी है इसके अंदर कि अब देखिए दूध पीने की कोशिश करने लगा है, थन तक पहुंच गया है। इसकी थोड़ी मदद करवाना पड़ेगा अभी। अभी गाय को हमने वो लच्छा बनाया वो दिया है, अभी थोड़ा सा और देंगे। अभी देखिए इतना समझदार जानवर होते हैं, खुद ही कोशिश करने लगा दूध पीने के लिए। अभी थन तक पहुंच गया है, लेकिन अभी इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी, कि बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरीके से देसी गौ माता में मातृत्व की भावना रहती है, जो जर्सी और एचएफ वगैरह अदर नस्ल की नहीं रहती है। ये हमारे एमपी सिवनी की देसी नस्ल है, और ये भी हमारा देसी है, और वो हमारा बच्चा है, वो इस गाय का है, वो भी देसी है। और ये साहिवाल बच्चा जन्म दिया है इसने, ये देखिए इस तरीके से घर के अभी ताकत बनेगी धीरे धीरे, पूरा गाय ने पूरे बच्चे को चाट लिया अच्छी तरीके से। इसको फिर हम इसको नहला देंगे अच्छे तरीके से, गाय को और बच्चे को साफ कर देंगे गर्म पानी से।